इस टाइप का फर्जी रैली नहीं करना चाहिए। मुझे आश्चर्य लगा कि जो सरकार को किसानों के लिए काम करना था, ये काम नहीं करके और ये नौटंकी करने को उतर गई। अब आधा किया है, पैसा तो है नहीं, सेंट्रल को दोष देना, अपना रेवेन्यू कैसे डेवलप करेगा, तो कुछ इस पे प्रैक्टिस करते नहीं है। सरकार विपक्ष में तो नहीं है, कांग्रेस यहाँ सत्ताधारी दल है, तो सत्ताधारी को समझना चाहिए कि मिनट का समय है, उसका बहुमूल्य होता है, एनर्जी अनावश्यक एग्जॉस्ट करने का काम कर रहे हैं लोग। ये थका हुआ लगता है कि सरकार थक चुकी है। इतना 31 तारीख को गोड्डा से देवघर एक कांग्रेस की रैली होने जा रही है। मुझे जानकारी मिली, मुझे आश्चर्य लगा कि जो सरकार को किसानों के लिए काम करना था, ये काम नहीं करके और ये नौटंकी करने पर उतर गई है। सबसे पहले झारखंड की सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को रोका, जिसमें कि प्रत्येक किसानों को 11,000 से 31,000 रुपया मिल रहा था, और 3200 करोड़ रुपया जो किसानों को मिलना था डायरेक्ट अकाउंट में, वो बंद कर दिया। उसके बाद 90% पर गाय मिल रही थी, उस योजना को बंद कर दिया। और उसके बाद सरकार ने घोषणा की थी कि 2 लाख रुपये प्रति किसानों का ऋण माफ करेंगे, वो भी दिग्भ्रमित हो गई सरकार इसमें। एक तो 50,000 देने की बात किया, उसमें भी इतना कानून जोड़ दिया, इतना लेकुना उसमें कर दिया कि लोग लाभ ले पा रहे हैं। उसके बाद रामेश्वर राव जी ने बयान दिया, जो कांग्रेस के फाइनेंस मंत्री हैं, कि 31 मार्च तक किसानों से धान लिया जाएगा, और ये 15 जनवरी से ही किसानों का धान लेना बंद कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि ये विपक्ष में लोग, विपक्ष में सरकार, विपक्ष में तो नहीं है कांग्रेस यहाँ सत्ताधारी दल है, तो सत्ताधारी को समझना चाहिए कि मिनट का समय है, उसका बहुमूल्य होता है, वो समय उनको जनता में, जनता या किसान, जनता की समस्याओं को दूर करने में लगाना चाहिए, किसानों की समस्याओं में लगाना चाहिए दूर करने में, वो उसमें ना लगा करके। और ये ट्रैक्टर रैली एक नौटंकी मात्र है, ये किसानों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है, और उस किसान से कुछ लेना देने को नहीं है। बिजली बिल माफ करने की बात था, नहीं किया। बेरोजगारों को ऋण देने की बात था, नहीं, बेरोजगारी भत्ता देने की बात था, नहीं किया। मतलब एक भी योजना सजमीन पर लाने में सरकार विफल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि सरकार के ये रवैया रहा, खाली कागज पर और अखबार में भाषण देने का काम इनका रह गया, और ये रवैया रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इसको काफी महंगा पड़ेगा। जनता काफी परेशान है, किसान काफी परेशान है, और दिल्ली के तर्ज पर ये झारखंड में रैली कर रहे हैं। दिल्ली वहां मंडी है, बड़ी बड़ी मंडियां हैं, वो किसान वो आंदोलन पर कर रहे हैं, जनरल किसान आंदोलन थोड़ा कर रहा है। यहां पर तो मंडी सिस्टम है भी नहीं, कोई मतलब नहीं सब आंदोलन करने का, इसको सिर्फ नौटंकी कर रहा है, उसी से फुर्सत नहीं मिल रहा सरकार को। इसलिए मेरा सुझाव होगा सरकार को, जो उन्होंने वादे किए थे किसानों के लिए, उसको सॉल्व करने में समय लगाना चाहिए, एनर्जी लगाना चाहिए। इसमें तो मैं मानता हूं जो ट्रैक्टर आएगा, मैक्सिमम जो बालू माफिया है वो ट्रैक्टर फ्री में दे रहा है, ये किसानों का ट्रैक्टर है क्या? किसान को क्या मतलब, किसान बेचारा कहां ट्रैक्टर लाएगा इतना, वो तो परेशान है, ऋण के बोझ से परेशान है, दबा हुआ किसान है। तो एक माफिया को प्रोत्साहन देगा कि वो उस ट्रैक्टर का यूज करेगा रैली में, और पूरा बालू फ्री करेगा जो आज तक चल रहा है। बालू पर कोई कंट्रोल नहीं सरकार का, खुलेआम बालू की लूट चल रही है। मेरा ऐसा विश्वास है, गोड्डा में कझिया नदी है जो कि एक जमाने में इसमें बालू हुआ करता था, आज वहां कुछ नहीं है, मट्टी बचा हुआ है। ये पूरे जिला का साई नदी को मट्टी बदलने का काम सरकार करने जा रही है, आज इसका किंग पिन है मिस्टर प्रदीप यादव जी, दिखावा करते हैं, बहुत बड़ा ढोंगी आदमी है, लोगों को कायम रख करके युवा पीढ़ी को बरगलाने का काम करते, देखना रोजगार देना चाहिए सरकार में, रोजगार देने काम करना चाहिए इनको। कितने को रोजगार दिया बता रहे हो, कितने को रोजगार दिया अभी तक इस सरकार में? खाली दूसरे सरकार क्रिटिसाइज करने, भारत सरकार क्रिटिसाइज करना, तो पूर्व की सरकार क्रिटिसाइज करना, ये धंधा रह गया लोग का। अरे आपको मौका मिला काम कीजिए ना, मेरा ये अपील है। और इस टाइप का फर्जी रैली नहीं करना चाहिए, एनर्जी अनावश्यक एग्जॉस्ट करने का काम कर रहे हैं लोग। ये थका हुआ लगता है कि सरकार थक चुकी है, इतना वादा किया है, पैसा तो है नहीं, सेंट्रल को दोष देना, अपना रेवेन्यू कैसे डेवलप करेगा, तो कुछ इस पे प्रैक्टिस करते नहीं है, उस पर चिंतन नहीं करते हैं, लोगों से सलाह नहीं मांगते हैं, कैसे राज्य विकसित होगा? इसलिए मेरा
ऐसा सुझाव है कि सरकार को अपना काम करना चाहिए जो इन्होंने घोषणा किया है।